कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद पलवल जिले में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माने जाने वाला दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा पलवल जिले में दशहरा पर्व को मनाने के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद जो दशहरा कमेटी द्वारा लगभग 15 से 20 दिन पहले ही जो यूपी के जिला बुलंदशहर से जो कारीगर आते हैं, जो यहाँ जो रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले बनाते हैं, लंका बनाते हैं, वो यहाँ अपने कार्य में जुटे हुए हैं। आप मेरे पीछे साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जो रावण का पुतला है वो लगभग 55 फीट का यहाँ बनाया जा रहा है और जो कुंभकर्ण का पुतला है वो 50 फीट का बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो मेघनाथ का पुतला है वो उसकी जो ऊंचाई है वो 45 फीट रखी गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो कारीगर अभी भी वो जो अपने कार्य में जुटे हुए हैं, यहाँ जो रावण मेघनाथ और जो कुंभकर्ण के पुतले हैं उनका ताज बनाने में ये जो यहाँ अपने कार्य में जुटे हुए हैं। हमारे साथ जो जिला बुलंदशहर से जो यूपी के जिला बुलंदशहर से जो कारीगर आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि भी कितने कितने फुट के जो पुतले बनाए जा रहे हैं और कितने दिनों से वो यहाँ अपने कार्य में जुटे हुए हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? साबिर। साबिर जी, बताएंगे ये जो आप पुतले बना रहे हैं तो कौन कौन से कितने कितने फीट के पुतले हैं और कब से आप यहाँ कार्य में? जी, हम 15 से 20 दिन हो गए यहाँ कार्य करते करते। रावण का पुतला 55 फुट का है, कुंभकर्ण का 50 फुट का है, मेघनाथ का 45 फुट का है और कमेटी की तरफ से आए हुए हैं। तो लंका भी बनाई जा रही है? हाँ जी, लंका तैयार है बनके। तो पिछले अगर हम 2 सालों की बात करें, जैसे कि 2 साल से जो दशहरा का पर्व था वो नहीं मनाया जा रहा था, तो अब की बार पिछले 2 सालों में कितनी लागत थी आपकी जो रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले हैं जो लंका बनाई जाती थी, और अब जो इनमें जो लागत आई है उसमें कितना अंतर देखा जा रहा है? जी, अंतर 40 से 50 हज़ार तक अंतर देखा जा रहा है। महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी है, इससे कोरोना से महामारी का असर है। तो अब की बार जो टोटल जो लागत है वो कितनी लागत आई? टोटल लागत इसमें 2 से लेकर 2.5 लाख की लागत है। 2.5 लाख रुपए तक? हाँ। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो कोरोना काल रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसका असर भी हम त्योहारों पर देख सकते हैं, त्योहारों पर पड़ रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छे से असर पड़ रहा है, हर चीज़ पर असर है। कारीगर नहीं आने को तैयार हैं, काम लेट काम हुआ है तो कारीगर ज़्यादा हैं, बहुत महंगाई का बहुत बुरा असर है कोरोना काल में, बहुत बुरा। पिछले 2 सालों में जिस तरह से दशहरा का पर्व नहीं मनाया गया था, उस दौरान आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? हालांकि पूरा देश कोरोना काल में जो है परेशानियों का सामना कर रहा था। हाँ जी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत बस कह नहीं सकते, इतनी परेशानी सामने कि कह नहीं सकते कि कैसे अपना घर बार चलाना भारी था। किस तरह की परेशानियां आपके सामने आई उस दौरान? कारोबार की मार थी और रोज़गार सारे ठप हो चुके थे, कुछ था नहीं करने के लिए, सबसे ज़्यादा मार तो इसी थी। और फिर महंगाई इस कदर थी कि कुछ भी चीज़ ले लो हर चीज़ में महंगाई, अब मजदूर क्या करे बताओ, ये समस्या बहुत। तो ये थे हमारे साथ जो यूपी के ज़िला बुलंदशहर से जो कारीगर हैं जो यहाँ रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के जो पुतले बना रहे हैं और लंका भी यहाँ पर जो बनाई जा रही है, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि कोरोना काल में जो इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, हालांकि अब कहीं ना कहीं जो दशहरा का पर्व है उसको मनाने के बाद इन्हें कहीं ना कहीं कोई राहत फील हुई है। हालांकि कोरोना काल में इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल जो ये जो पुतले हैं और जो लंका है वो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में प्रॉपर तरीके से जो खड़ा कर लगा दिए जाएंगे और परसों इनको जो है दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माने जाने वाला इस बार जो त्यौहार है दशहरा का, वो बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरा कमेटी द्वारा हालांकि जो शोभा यात्रा पहले निकाली जाती थी वो भी इस बार जो बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी। हालांकि जो शोभा यात्रा हैं वो जो सवारियां जो निकाली जाती है उनकी जो संख्या है वो कम कर दी गई है, 5 सवारियाँ ही इस बार निकलेंगी और प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कोरोना काल के जो नियम हैं उन नियमों के तहत जो दशहरा का पर्व इस बार भी हालांकि धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन COVID-19 की जितनी भी गाइडलाइंस है उन सभी का यहाँ जो है प्रॉपरली तरीके से जो है प्रयोग किया जाएगा। पलवल से सर्वोदय TV के लिए मैं सौरभ वर्मा। कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद पलवल जिले में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माने जाने वाला दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा।
जिला प्रशासन द्वारा पलवल जिले में दशहरा पर्व को मनाने के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद जो दशहरा कमेटी द्वारा लगभग 15 से 20 दिन पहले ही जो यूपी के जिला बुलंदशहर से जो कारीगर आते हैं, जो यहाँ जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले बनाते हैं, लंका बनाते हैं, वो यहाँ अपने कार्य में जुटे हुए हैं। आप मेरे पीछे साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जो रावण का पुतला है वो लगभग 55 फीट का यहाँ बनाया जा रहा है और जो कुंभकर्ण का पुतला है वो 50 फीट का बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो मेघनाथ का पुतला है वो उसकी जो ऊंचाई है वो 45 फीट रखी गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो कारीगर अभी भी वो जो अपने कार्य में जुटे हुए हैं, यहाँ जो रावण, मेघनाथ और जो कुंभकर्ण के पुतले हैं उनका ताज बनाने में ये जो यहाँ अपने कार्य में जुटे हुए हैं। हमारे साथ जो जिला बुलंदशहर से जो यूपी के जिला बुलंदशहर से जो कारीगर आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि भी कितने कितने फुट के जो पुतले बनाए जा रहे हैं और कितने दिनों से वो यहाँ अपने कार्य में जुटे हुए हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? साबिर। साबिर जी, बताएंगे ये जो आप पुतले बना रहे हैं तो कौन कौन से, कितने कितने फीट के पुतले हैं और कब से आप यहाँ कार्य में? जी, हम 15 से 20 दिन हो गए यहाँ कार्य करते करते। रावण का पुतला 55 फुट का है, कुंभकर्ण का 50 फुट का है, मेघनाथ का 45 फुट का है और कमेटी की तरफ से आए हुए हैं। तो लंका भी बनाई जा रही है? हाँ जी, लंका तैयार है बनके। तो पिछले अगर हम 2 सालों की बात करें, जैसे कि 2 साल से जो दशहरा का पर्व था वो नहीं मनाया जा रहा था, तो अब की बार पिछले 2 सालों में कितनी लागत थी आपकी जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले हैं जो लंका बनाई जाती थी, और अब जो इनमें जो लागत आई है उसमें कितना अंतर देखा जा रहा है? जी, अंतर 40 से 50 हज़ार तक अंतर देखा जा रहा है। महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी है, इससे कोरोना से महामारी का असर है। तो अब की बार जो टोटल जो लागत है वो कितनी लागत आई? टोटल लागत इसमें 2 से लेकर 2.5 लाख की लागत है। 2.5 लाख रुपए तक? हाँ। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो कोरोना काल रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसका असर भी हम त्योहारों पर देख सकते हैं, त्योहारों पर पड़ रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छे से असर पड़ रहा है, हर चीज़ पर असर है। कारीगर नहीं आने को तैयार हैं, काम लेट काम हुआ है तो कारीगर ज़्यादा हैं, बहुत महंगाई का बहुत बुरा असर है कोरोना काल में, बहुत बुरा। पिछले 2 सालों में जिस तरह से दशहरा का पर्व नहीं मनाया गया था, उस दौरान आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? हालांकि पूरा देश कोरोना काल में जो है परेशानियों का सामना कर रहा था। हाँ जी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत बस कह नहीं सकते, इतनी परेशानी सामने के कह नहीं सकते कि कैसे अपना घर बार चलाना भारी था। किस तरह की परेशानियां आपके सामने आई उस दौरान? कारोबार की मार थी और रोज़गार सारे ठप हो चुके थे, कुछ था नहीं करने के लिए, सबसे ज़्यादा मार तो इसी थी। और फिर महंगाई इस कदर थी कि कुछ भी चीज़ ले लो हर चीज़ में महंगाई, अब मजदूर क्या करे बताओ, ये समस्या बहुत। तो ये थे हमारे साथ जो यूपी के ज़िला बुलंदशहर से जो कारीगर हैं, जो यहाँ रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के जो पुतले बना रहे हैं और लंका भी यहाँ पर जो बनाई जा रही है, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि कोरोना काल में जो इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, हालांकि अब कहीं ना कहीं जो दशहरा का पर्व है उसको मनाने के बाद इन्हें कहीं ना कहीं कोई राहत फील हुई है। हालांकि कोरोना काल में इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल जो ये जो पुतले हैं और जो लंका है वो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में प्रॉपर तरीके से जो खड़ा कर लगा दिए जाएंगे और परसों इनको जो है दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माने जाने वाला इस बार जो त्यौहार है दशहरा का, वो बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरा कमेटी द्वारा हालांकि जो शोभा यात्रा पहले निकाली जाती थी वो भी इस बार जो बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी। हालांकि जो शोभा यात्रा हैं वो जो सवारियां जो निकाली जाती है उनकी जो संख्या है वो कम कर दी गई है, 5 सवारियाँ ही इस बार निकलेंगी और प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कोरोना काल के जो नियम हैं उन नियमों के तहत जो दशहरा का पर्व इस बार भी हालांकि धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन COVID-19 की जितनी भी गाइडलाइंस है उन सभी का यहाँ जो है प्रॉपरली तरीके से जो है प्रयोग किया जाएगा। पलवल से सर्वोदय टीवी के लिए मैं सौरभ वर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।